पर भुज दंडे विराजे और हाथन में हत नामाई और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे, लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं। सीताराम सीताराम हाँ बिना वेद के बाहर ये महात्मा की झोपड़ी सीताराम भजन बोल रहा हूँ। ठाकुर हम जोरदार लगाए है, जोरदार से तड़का लगा हुआ है, बघार दीपक आग में रख के उसे तड़का लगाते हैं। दीपक को आग में रख देते हैं, उसके बाद तड़का लगाते हैं। तुम बढ़िया सुन रहे नहीं, ये कहा है कटोरी है ना, हाँ वो में करके। अच्छा अच्छा, कटोरी तो काली हो जाती है, टूटता नहीं। अच्छा नहीं, मगर दीपक बड़ा तड़पत ज़्यादा अच्छा होता है। सौर ऊर्जा की प्लेट से बैटरी चार्ज करते हैं। चारों तरफ घना जंगल, ये चित्रकूट क्रांति जी का जंगल है। यहाँ पे जंगल में महात्मा लोग रहते हैं, अपना भोजन करते हैं, नित्य क्रिया करते हैं। यहाँ के इनकी नित्य क्रिया के भी बहुत सारे नियम होते हैं। महाराज जी का तड़का लग रहा है जीरे में, आप तो कहते दाल में डालेंगे, दाल में भी पड़ेगा महाराज। अच्छा मछली भी पड़ेगा। हाँ थोड़ा काला हो जाएगा, देसी तरीके का तड़का। हाँ बाबा हो गया दीपक का। चल रही महाराज जी की टिकर हाथ की एकदम टाइट। मुन्ना का बंद करके डाल दिया, नंबर में बता दिया। हमें का दिक्कत है, चाहे जहाँ चावल माफ़ साथ। चलो भगवान का ही साधु साई में भोजन का नाम भी अलग अलग रहता है। रोटी को टिक्कर और फुलका कहते हैं, दाल को बैकुंठी, चावल को महाप्रसाद और सब्जी को साग और कढ़ी को पीताम्बरी। जी सबका नाम एकदम अलग। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
कुटिया में साधु महात्मा के यहाँ के भोजन में और बाकी के भोजन में बहुत अंतर रहता है। एक तो यहाँ पे ये प्रसाद के रूप में बनता है और इसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई और पवित्रता का, जिसकी वजह से जो भोजन में दोष आ जाते हैं वो नहीं होते हैं और कुछ विशेष ज़्यादा नहीं डालने के बावजूद भोजन बहुत उत्तम बन जाता है, क्योंकि उसके बाद उसको भगवान को भोग लगाना होता है और भगवान को भोग सबसे अच्छी चीज़ को ही लगाया जाता है, तो इसलिए बड़ी सावधानी से भोजन बनाया जाता है कि वो जूठा भी ना हो और सकरा भी ना हो। ये महाराज जी, जूठा और सकरा में क्या अंतर रहता है? सकरा जो दोबारा कोई वस्तु का प्रयोग कर लिया गया, सकरा हो गया। दोबारा कैसे? हमने मान लो पूड़ी में निकाल लिया तेल, हाँ, फिर दोबारा अगर उसका प्रयोग करते हैं तो सकरा हो जाता है जी। तो फिर सकरे भोजन का भोग नहीं लगता है ना। जी प्रसाद को राम नाम लेते हुए ही सिद्ध करना चाहिए जी। ताकि वो भोजन प्रसाद बन सके, पवित्र हो जाए। राम नाम लेने से तो मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो भोजन में डालेंगे तो वैसे पवित्र और हो ही जाएगा। यही अंतर होता है भोजन में कि आम लोग बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते बनाते हैं, साधु महात्मा बनाते हैं तो भगवान का नाम लेते लेते बनाते हैं। हाँ जी माँ जी, नंबर बताऊंगा। हाँ उस नंबर पहुंच जाएगा। जी महाराज जी, टिक्कर पूरी सेवा भोजन प्रसादी बनाए जी। देखिए महाराज जी ने भोजन बना लिया पूरा, दाल चावल सब्जी रोटी, रोटी में सिद्धि लग रही, रायता भी, हाँ रायता, ये सब्जी बन गई है, दाल महाप्रसाद बन गया है, दाल ये है जी, और ये टिक्कर में शुद्धि लग रही है, अब भोग लगेगा उसके बाद भोजन होगा। बड़ी सेवा कर रहे हैं महाराज जी, सेवा करते हैं। ले चलिए, भोग लगाइए। जहाँ पे भोजन जो भी बनता है साधु महात्मा गया, पहले उसका भोग लगता है भगवान जी का, ताकि वो भोजन प्रसाद बन सके। समय तुलसी जल छोड़ते हैं, भोजन आप बनाते हैं यहाँ साधु महात्मा के यहाँ बनता है, तो उसमें पवित्रता के लिए क्या क्या चीज ध्यान में रखनी पड़ती है? प्रसाद बनाते हो तो मन का लो बात। अच्छा जी, और क्योंकि बात करने पे मुंह से थूक निकलता है। हाँ जी, तो वो भगवान के प्रसाद में पड़ जाता है, अशुद्ध जी, अशुद्ध हो जाता है जी। और क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है? तमाम जैसे जंगल है, जंगल में कीटाणु है, हाँ। भी ध्यान देना पड़ता है, कोई विषक्त जीव भी पड़ गया जी, उसका भी विचार करना पड़ता है जी। माता की, संतो भोग लगाओ लगाओ।
जय हो, ठीक से तारा बन गए हैं। अब देखो पहले राम राज, देखो क्या बात है, पूछ वहाँ तो वृंदावन से मोबाइल नीच लेते हैं, चश्मा मोबाइल नीच लेते हैं। कब ऐसे जाने, कब ऐसे दिन बता ये कैसे पहाड़ पाए।